हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। तो मैं आज एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो कॉमन है और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं या पेरेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं कि जॉब नहीं लग रही है मन मुताबिक, या उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से जॉब नहीं लग रही है। तो इसके लिए योग प्राण विद्या में आप क्या कर सकते हो? क्या इसके लिए भी योग प्राण विद्या में हीलिंग होती है? तो हाँ, इसके लिए भी होती है। तो जॉब नहीं लग रहा है, बच्चे परेशान होते हैं कि मेरे से कम नंबर वाला मेरे क्लासमेट का, मेरे से अच्छे पोस्ट पे उसका जॉब लग गया और क्वालिफिकेशन अच्छा होते हुए भी दर बदर बच्चे भटकते रहते हैं, जॉब नहीं लगता है, या लगता भी है तो उनकी इच्छा के हिसाब से नहीं लगता, उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं लगता है। तो इसका क्या रीज़न होता है? रीज़न है, हमने पहले वीडियो में भी बताया है कि हमारे बॉडी में क्या है, ओरास हैं और चक्रास हैं। तो कुछ चक्रास हैं हमारे बॉडी में, कुछ चक्र हैं जो कि जॉब के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो वो चक्र अगर प्रॉपर ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, वो चक्र अगर बैलेंस नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो हमारा क्वालिफिकेशन होते हुए भी, हमारे अंदर टैलेंट होते हुए भी, हमें हमारे इच्छा अनुसार जॉब नहीं मिल पाता है और उतना सैलरी नहीं मिल पाता है जिसके हम हकदार होते हैं। तो इसके लिए भी हीलिंग होती है और आप इसकी हीलिंग करवा करके आप अपने ओरास चक्रास को बैलेंस करेंगे, स्ट्रांग करेंगे, तो आपका जॉब राइट जॉब लगेगा, राइट प्लेस पे लगेगा, राइट टाइम पे लगेगा, सब कुछ होगा। जॉब लगने में जो लेट होता है वो क्या है, राइट टाइम पे लगेगा आपको जॉब। जॉब के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं, और भी टॉपिक पे मैं डिस्कस करती हूँ टीन एज के बच्चों के लिए कि बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं, उनके बच्चों का जब टीन एज आता है तो क्या है, उनका हार्मोन्स चेंज होता है, तो वो लोग क्या है ना कि घर की बातें नहीं मानते हैं, पेरेंट्स जो बोलेंगे पेरेंट्स के अगेंस्ट ही जाएंगे, वो कहेंगे कुछ तो वो बाहर के लोगों की बातें मानेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो बाहर के लोगों को अपना हित कर समझते हैं, गलत संगत पकड़ लेते हैं, एडिक्शन के आदि हो जाते हैं। तो पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि इसकी भी हीलिंग होती है आपकी वाइफ बीवी में? तो हाँ, इसकी भी होती है। क्या है, आप उन बच्चों का जो चक्र आपका जब हार्मोन्स चेंज हो रहा है तो उनकी बॉडी में कुछ चक्र है जो ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो डिसबैलेंस होता है, तो आप इस उन चक्रों को बैलेंस करेंगे तो वो उनके अंदर गुड क्वालिटीज आएगी, अपने पेरेंट्स के प्रति उनका रिस्पेक्ट बढ़ेगा और वो राइट पाथ पे चलेंगे, अपने टारगेट पे फोकस करेंगे और अपने टारगेट को अचीव भी करेंगे और अपने काम को प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे और कमिटमेंट करेंगे। कमिटमेंट करने के लिए भी बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, हाँ कमिटमेंट तो कर लिया पर उस पर वर्क नहीं करते हैं। तो इसके लिए जब उनके ओरास चक्रास बैलेंस होंगे तो वो कमिटमेंट करेंगे, तो उस पर फोकस करेंगे, उस पर काम करेंगे, उनको रहेगा कि नहीं हमने ये कहा है तो मैं करूंगा, मैं कैसे कह के नहीं कर सकता। ये सब के लिए आपका चक्र स्ट्रांग होना चाहिए और चक्रास बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबल होता है इन सारे चीज़ों के लिए। अगर सारे चक्र आपके बैलेंस हैं, स्ट्रांग हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं होंगे जो आजकल के टीनेज के बच्चों को होता है। उनका संगत अच्छा रहेगा, वो समझ सकते हैं मेरे लिए क्या अच्छा है क्या गलत है और किस पाथ पे हमको चलना चाहिए, और अगर कोई उनको बरगला रहा है वो भी उससे भी वो बच सकते हैं। अगर उनके चक्रास बैलेंस है, अगर उनका विल पावर है, तो ये समझ सकते हैं कि ये क्या ठीक कह रहे हैं क्या गलत कह रहे हैं, मेरे हित में क्या है। तो ये सब का निदान है योग प्राण विद्या। योग प्राण विद्या के थ्रू आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्ते।